नमस्कार, आज हम बात करेंगे मेमू के अंदर ऑक्सिलरी वाइंडिंग नंबर वो वन की, यानी कि 266 वोल्ट की वाइंडिंग जो है उससे क्या क्या चलता है और वो कैसे काम करती है। तो आइए देखते हैं सर्किट के अनुसार। यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है और ये 266 वोल्ट की ऑक्सिलरी वाइंडिंग नंबर वन, यानी कि एक नंबर की ऑक्सिलरी वाइंडिंग। तो यहाँ से एक सब पहले ऊपर इधर जा रही है पॉजिटिव की तरफ, ये नेगेटिव की तरफ जा रही है। और यहाँ पे AF1 यानी कि ऑक्सिलरी फ्यूज नंबर 1 100 एम्पियर का यहाँ पे लगा हुआ है और इधर भी 100 एम्पियर का AF2, दोनों फ्यूज इस वाइंडिंग के आउटपुट में, दोनों आउटपुट में लगे हुए हैं। इस प्रकार ये फ्यूज जो है इस वाइंडिंग का ओवर करंट से भी और अर्थ फॉल्ट से भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। यानी कि 266 वोल्ट की वाइंडिंग से जो भी ऑक्सिलरियां या उपकरण चलते हैं उसके लिए अलग से कोई भी अर्थ फॉल्ट से या ओवर करंट से सुरक्षा के लिए कुछ नहीं लगाया गया, यही फ्यूज रक्षा करते हैं। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे एक आरसी डैम्पिंग पैनल, आरसी का मतलब रेजिस्टेंस और कैपेसिटर, ये रेजिस्टेंस है और ये कैपेसिटर है, तो इसको डैम्पिंग पैनल कहते हैं। और VCB वाले लोगों को भी लगा रहता है ये, लेकिन आजकल सभी गाड़ियों में अधिकतर VCB लगा दिया गया है। यहाँ आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे ये है OP, OP का मतलब होता है ऑयल पंप, ट्रांसफार्मर के ऑयल को सर्कुलेट करने वाला पंप, ये यहाँ पे लगा हुआ है ऑयल पंप। और इधर का ये इसका कैपेसिटर लगा हुआ है, यानी कि ये सिंगल फेज की मोटर हैं, इसको स्टार्टिंग फेज देने के लिए कैपेसिटर रहते हैं साथ में। इसकी सुरक्षा के लिए, ओपी की सुरक्षा के लिए 15 एम्पियर का एक MCB लगा हुआ है 1/9, यानी कि ड्राइवर कैब के पीछे, लोको पायलट के पीछे जो एक नंबर की रो है उसमें 9 नंबर का जो MCB है वो यहाँ पे इसकी सुरक्षा के लिए लगा हुआ है। उसके बाद में है RF यानी कि रेक्टिफायर फैन, रेक्टिफायर फैन की सुरक्षा के लिए 10 एम्पियर का 1/10 MCB लगा हुआ है और इस प्रकार ये ओवरकरंट से सुरक्षा करता है। अगर ये MCB ट्रिप हो जाएंगे तो ये ऑक्सिलरी काम करना बंद कर देगी, तो जब भी ट्रेबल शूटिंग में आएगा ये ऑक्सिलरी बंद तो नहीं हुई चेक करो, तो ये MCB सबसे पहले इसका चेक करना होता है। उसके बाद है KF1 यानी कि रेडिएटर फैन, ट्रांसफार्मर के ऑयल को ठंडा करने वाला ब्लोअर। तो यहाँ पे दो छोटे छोटे ब्लोअर लगे हैं KF1 और KF2, यहाँ पे इसके सुरक्षा के लिए 5 एम्पियर के 1/11 और 1/12 ब्रेकर्स लगे हुए हैं KF1 KF2। उसके बाद में ये लगा है NVR, NVR का मतलब होता है 9 वोल्ट रिले, इसकी सुरक्षा के लिए 1/13 ब्रेकर लगा हुआ है। और NVR का काम ये है कि जब OC में टेंशन होता है तो क्या है कि ये इनर्जाइज होती है और इनर्जाइज होकर ट्रैक्शन में इसका इंटरलॉक लगता है और आगे टेप चेंजर में टेप चेंजिंग होता है, यानी कि नॉच आते हैं आगे। अगर ये NVR इनर्जाइज नहीं होगी तो उसका मतलब ये 266 वोल्ट की सप्लाई या नहीं आई है, OC में टेंशन नहीं है। तो जब टेंशन नहीं है तो आगे नॉच लेने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए इंटरलॉकिंग किया हुआ है कि भाई NVR इनर्जाइज भी, मतलब टेंशन नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बैटरी चार्जर, तो ये बैटरी चार्जर के इनपुट में भी 266 वोल्ट की सप्लाई जाती है और उसके बाद बैटरी चार्जर जो 110 वोल्ट बनाकर बैटरी को चार्ज करता है। यहाँ बैटरी चार्जर फेलियर रिले BCFR का कनेक्शन दिया हुआ है, क्या है 266 वोल्ट की सप्लाई होगी तो बैटरी चार्जर की ये रिले इनर्जाइज होगी और लैंप हमें प्रकाशित बूझकर बताएगा कि ये सप्लाई इधर आ गई है। इस प्रकार ये 266 वोल्ट की वाइंडिंग काम करती है मेमू के अंदर और इसको ऑक्सिलरी वाइंडिंग नंबर 1 कहा गया है। धन्यवाद।